तो पता लगा है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ सचिन तेंदुलकर सर रहने के लिए आते थे छुट्टियों में। तो यही है वो जगह जहां बनेगा फॉल्स होराइजन। सो ये है पॉइंट नंबर 3। ऐसा बोलते हैं कि हर साल सचिन तेंदुलकर सर भी यहाँ पर छुट्टियां मनाने जरूर आते हैं। और अभी हमें पता चला कि लंडूर नहीं है, लैंडर बोलते हैं इस जगह को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज की जो डेस्टिनेशन है वो हमने ऑन द स्पॉट सोची है सुबह 4 बजे उठ के। और अभी हम हैं लैंडूर में, जो कि है मसूरी के जस्ट 5 किलोमीटर की दूरी पे। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, विच इज हिमालयन स्नो रेंज। थोड़ा सा ज्ञान दे दूं मैं आपको, मसूरी एंड लैंडूर ये दोनों जो हैं, ये एक ट्विन टाउन है देहरादून में, और ये पूरा का पूरा लैंडूर जो है वो कैंट एरिया है, और लैंडूर जो है वो 35 किलोमीटर्स दूरी पे है देहरादून टाउन से। तो चलो आपको घुमाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की कुछ पंक्तियां याद आती हैं, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहाँ। और इन्हीं लाइनों को अपने मन में दबाए हम लोग इस बार फिर चल दिए। और मज़े की बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं है कि ये सवारी जा कहाँ रही है। हमारे फेवरेट गणपति ढाबा पे रुककर हमने पी एक एक कप चाय और चल दिए आगे की तरफ। इन हरे भरी सड़कों से गुजरते हुए नजर पड़ी इस बोर्ड की तरफ। कुछ ज़्यादा ही अतरंगी नाम नहीं है इस रिजॉर्ट का। ये हमें ही अतरंगी लगा है, आपको भी अतरंगी लग रहा है? कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रा। इन खूबसूरत वादियों को ताकते हुए और पहाड़ों के करीब जाते हुए हम लोग फाइनली पहुंच गए लैंडोर। तो जो आज की हमारी ट्रिप थी बहुत ही अतरंगी हमने बनाई, जैसा गगन ने बोला कि हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमें कहाँ जाना है। प्रिपेयर्ड तो छोड़ो, हम एक पॉइंट तक ये भी हमें नहीं पता था कि हम जा कहाँ रहे हैं। प्रिपरेशन बुकिंग वुकिंग तो छोड़ दो, हमें सिर्फ इतना पता था कि हमें पहाड़ों की साइड जाना है, और उसके अलावा हमें कुछ नहीं पता था। और बस ये पॉइंट था कि कुछ ऐसी जगह जाएंगे जो अनएक्सप्लोर्ड हो, अनटच्ड हो, बहुत ज्यादा टूरिस्ट ना जाते हो। तो हम घूमते फिरते पहले पहुंच गए थे हम क्या बोलते, क्या कैपिटल क्या है उत्तर यहाँ की, उत्तराखंड की? देहरादून। देहरादून, हाँ। तो पहले हम पहुंच गए थे देहरादून, फिर देहरादून से वो डिसीजन पॉइंट आ गया था कि अब तो कुछ तो जाना पड़ेगा, कहीं तो मैप में डालना पड़ेगा। फिर गगन ने सर्च किया अनएक्सप्लोर्ड हिल स्टेशन, तो निकल के आया लंडूर। ना ना ना, ये नहीं सर्च करा मैंने, करा अनएक्सप्लोर्ड अनटच्ड जेम्स, हिडन जेम्स, हिडन जेम्स। तो आया लंडूर पहले, तो नाम सुन के हम दोनों हंसे बड़ी देर तक, पता नहीं क्यों, पर अजीब अजीब सा लगा थोड़ा सा सुन के लंडूर। लेकिन फिर जब हमने देखा कि इसके बारे में इमेजेस देखी, तो इसको बोलते हैं कि ये जो हमारी रेंज है, हिमालयन रेंज है, उसका टियारा बोलते हैं। इसको टियारा बोलते हैं क्योंकि ये, जैसा आपको बताया, मसूरी के बिल्कुल पास लोकेटेड है ये। हाँ। मसूरी से सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है ये। मसूरी को क्या बोलते हैं हम? रानी बोलते हैं, पहाड़ों की रानी। सही। और उस रानी का टियारा है लंडूर। यस। और अब आपको बताते हैं कि आपको लंडूर मसूरी आना कैसे है। तो यहाँ पे आने के 3 तरीके हैं, आप बाय एयर आ सकते हैं, बाय ट्रेन आ सकते हैं, और बाय रोड आ सकते हैं। बाय एयर और बाय ट्रेन के लिए आपका देहरादून इज द स्टेशन, और वही एयरपोर्ट है, तो वहाँ से आप मसूरी के लिए आ सकते हैं। और मसूरी से फिर आप यू कैन ड्राइव ऑन योर ओन, या फिर आप वहाँ से कोई टैक्सी ले सकते हैं जो आपसे 500 या 700 रुपये लेगा और आपको लंडूर लाके छोड़ देगा। और अगर आप मसूरी से लंडूर बाय रोड आ रहे हैं, खुद ड्राइव करके आ रहे हैं, तो रोड उतना आसान नहीं है। अगर आप मीडियोकर लेवल ड्राइव करते हैं, पहाड़ों में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रेफर्ड है कि आप किसी लोकल ड्राइवर को हायर कर लें, खुद से रिस्क ना लें। बहुत स्टीप रास्ता है और बहुत पतला है। हमारी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप पहाड़ों में, अगर आपको चलाने की आदत नहीं है, तो प्लीज़ मसूरी से लंडूर अपनी गाड़ी में मत आना, प्लीज़ किसी ड्राइवर को या लोकल बंदे के साथ ही आना। हाँ, तो चलो अब आपको दिखाते हैं लंडूर की कुछ हसीन वादियाँ। लैंडोर कॉलोनियल स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन। देवदार के हरे भरे पेड़, लोकल बेकरी शॉप्स, ब्यूटीफुल माउंटेन व्यूज, और ये अनूठा फॉल्स होराइजन का बनना लैंडोर को बेहद खूबसूरत बनाता है। लैंडोर जाने का बेस्ट टाइम है अप्रैल मई जून, यानी कि जब गर्मी होती है, तो आप इन पहाड़ों में जाकर एक राहत की सांस ले सकते हैं। लेकिन अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं,
तो विंटर या रेनी सीजन भी आपके लिए एक परफेक्ट टाइम होगा। एंड नाउ अ फन फैक्ट, अगर आप लिंडोर में फेमस स्पॉट्स को एक मैप पर पिन करेंगे तो आपको एक 8 नंबर की शेप में नजर आएगा, जिसे बोलते हैं अपर चक्कर या गोल चक्कर। तो अब बात करते हैं कि लिंडोर में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज सिस्टर्स बाजार, विजिट सिस्टर बाजार। सिस्टर बाजार को सिस्टर बाजार क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्रिटिश एरा में इस एरिया में सिस्टर्स या फिर नर्सेस ब्रिटिश आर्मी एंड सोल्जर्स का फ्री में इलाज करती थी, तो इसलिए इस पूरे एरिया का नाम पड़ गया सिस्टर्स बाजार। तो यहाँ पर अगर आप आए हो तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको करनी ही बनती हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ लैंडोर बेक हाउस, और यहाँ पर एक अमेजिंग बेकरी शॉप है जो कि 1929 के राउंड से वो ओपन है, और वहाँ पर आपको हर चीज़ बेकरी आइटम की मिलेगी और उसका खाना बहुत टेस्टी है। सो पॉइंट नंबर 2 इज़ अनिल प्रकाश स्टोर। अगर आप सिस्टर्स बाजार में आए हैं तो यहाँ पर आप आओ, और यहाँ का पीनट बटर जेलीज एंड जाम ये बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो पैक करा कर घर लेकर जाना मत भूलना। तो चलो अब आपको लेकर चलते हैं लंडोर बेक हाउस। तो ये है लंडोर बेक हाउस, जो कि अभी करेंटली यहाँ से ये लोग शिफ्ट करके आगे वाले दुकान में चले गए, तो चलो आपको लेकर चलते हैं। सो भाइयों यहाँ पर चल रही है वेटिंग, टाइमिंग जो है वो है 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, और हमारा नंबर है 6th। करीबन 15 मिनट इंतज़ार के बाद हमारा नंबर आ गया और हमने जाकर पकड़ लिया एक कोना, सीट नंबर 7। ऐसा कहा जाता है कि आप लंडोर आएँ और लंडोर बेक हाउस ना आएँ, ये हो नहीं सकता। ये बेकरी आपको फ्रेशली बेक्ड कुकीज़ और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन ऑफर करती है। तो अभी हम बैठे हैं लंडोर बेक हाउस में, और यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि आप समय में पीछे भी चले गए हो, लेकिन साथ में मॉडर्न टच भी है। और इन लोगों ने इतने फनी कोट्स लिख रखे हैं जगह जगह पर, उनकी कुछ झलकियाँ आपकी स्क्रीन पे आ रही होंगी, 2-4 पढ़ के तो हंसी आ गई, स्पेशली वो स्मोकिंग वाला। तो अभी हमने ऑर्डर किया है जिंजर लेमन हनी टी, स्पाइसी चीज़ रोल और उनका एक्लेयर पीनट बटर। तो अभी उनका टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि वो दमदार है या फिर बहुत दमदार है। और ये आ गया हमारा स्पाइसी बटर रोल, और ये पीनट बटर एक्लेयर स्पाइसी लून 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 नमक लून पता नहीं यार लून। ओह अच्छा, ये देसी स्टाइल में, विदेशी कैफे और देसी स्टाइल। चलिए मैं वो हमारी है शायद। अच्छा यार, ये ना हमारे दिल्ली के स्टाइल में है, ये पैटी का स्टफ और पैटी की स्टफिंग है। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है जी, इट्स नाइस। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर एक्लेयर पीनट बटर एंड जेली। Stuffing is filled with peanut butter, जो कि यहाँ का होममेड होता है। जो मैंने आपको बताया था अनिल प्रकाश की दुकान में आपको पीनट बटर मिलेगा, और जाम फेमस है, which is famous all over India। आप पहाड़ों में जाएं और जिंजर लेमन हनी टी ट्राई ना करें, ये नहीं हो सकता। तो ये आ गई हमारी गर्मा गर्म जिंजर लेमन हनी टी, जो कि बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा फेमस है। कैसा है? अरे यार बहुत ही जबरदस्त, मस्त, बिल्कुल अच्छा। यू मस्ट ट्राई इट अगर आप लंडोर आ रहे हो तो, जिंजर लेमन हनी टी। अगर आप लंडोर बेक हाउस आते हैं तो ये वाली सीट लपक लीजिएगा, यहाँ से देवदार के जंगल का एकदम खूबसूरत नजारा मिलता है। लैंडोर बेक हाउस में मज़ेदार खाना खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं केलॉग्स मेमोरियल चर्च, जो कि यहाँ का बहुत फेमस चर्च है। तो चलो आपको थोड़े से उसकी झलकियाँ दिखाते हैं। सो अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड सजेशन इफ़ यू विजिट लैंडोर, विच इज़ केलॉग्स मेमोरियल चर्च। और अभी के लिए ये चर्च बंद है, आई एम नॉट श्योर इसके टाइमिंग्स क्या है, बट बाहर से देखने में बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही सुंदर लग रही है ये चर्च। सो अभी हम हैं लैंडोर लैंग्वेज स्कूल के जस्ट सामने। यहाँ पर ब्रिटिश एरा के टाइम पे हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाती थी ब्रिटिश सोल्जर्स को, और अभी भी यहाँ पर हिंदी
उर्दू गढ़वाली संस्कृत लैंग्वेज सिखाई जाती है वर्ल्ड वाइड के स्टूडेंट्स को, तो ये अभी भी ऑपरेशनल है। और ये जस्ट पीछे है केलॉग्स मेमोरियल चर्च के। चर्च से कुछ ही कदम की दूरी पर हम लोग पहुंच गए रॉक बाय। यहाँ तो जरूर आना बॉस। सो ये है पॉइंट नंबर 3। ऐसा बोलते हैं कि हर साल सचिन तेंदुलकर सर भी यहाँ पर छुट्टियां मनाने जरूर आते हैं। और अभी हमें पता चला कि लंडूर नहीं है, लैंडर बोलते हैं इस जगह को। और इस लैंडर जगह में रस्किन बॉन्ड भी रहते हैं, द फेमस, पद्मश्री मिला है उन्हें, और द फेमस नॉवेलिस्ट। रॉक बाय मेनोर एक इंग्लिश स्टाइल लग्जरी स्टेट होटल है जहाँ पर आप लंडोर में अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। उसके अलावा इट सर्व्स इंडियन एंड कॉन्टिनेंटल डिशेज अलॉन्ग विद ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। और ऐसा भी बोला जाता है कि सचिन तेंदुलकर सर जब भी छुट्टियाँ मनाने आते हैं तो वो यहाँ ज़रूर आते हैं। This cafe is reminding me of Chai Zai, जहाँ हम गए थे कश्मीर में। वैसे यहाँ की स्टिकी टॉफी पुडिंग काफी फेमस है, लेकिन फिर भी हमने न जाने क्यों एप्पल क्रम्बल ऑर्डर किया। और ये एप्पल क्रम्बल ऑर्डर तो कर लिया है, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं इसको खाना कैसे है। और मीनवाइल गगन इज बिजी गूगल करने में कि कैसे खाएंगे इसको, पलटेंगे और फिर खाएंगे। हाँ जी, आया कुछ समझ? ऐसा बर्बाद। रॉक बाय के बाद ये कार वहां पहुंच गया सिस्टर्स बाजार। और सिस्टर्स बाजार में हमारी रिकमेंडेशन है नंबर 4 इज अनिल प्रकाश स्टोर, जहाँ से आप पीनट बटर या जैम या जेलीज खरीद सकते हैं। पीनट बटर और जैम के अलावा आपको यहाँ मिल जाएंगे कुछ पिकल्स और होममेड बेकरी आइटम्स। तो लगे हाथ हमने ले लिया एक पीनट बटर एंड 1 सिनेमन रोल। पॉइंट नंबर 5 इज लाल टिब्बा, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है सनसेट के लिए। चलो आओ सनसेट देखते हैं। तो अब शाम का वक्त हो चला है, जैसा कि गगन ने बोला कि हम सनसेट देखने जा रहे हैं। भाई साहब ठंड हो गई एकदम जबरदस्त, तो हमारे स्वेटर जैकेट्स निकल आई हैं। अभी हीरोइन बन के घूम रहे थे, हीरो हीरोइन है। हाँ, और अब एकदम तमीज में आ गए। yes! लेकिन एक ओवरऑल चीज है कि जो ये लैंडर है, जो लंडूर जो भी जगह का नाम है यार, एक तो नाम ने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। कोई लंडूर बोल रहा है, कोई लैंडर बोल रहा है, कोई लैंडोर बोल रहा है, भगवान जाने। तो जो भी जगह बहुत ही ज्यादा मैनेज्ड है। शायद हमारा एक्सपीरियंस ये भी रहा है कि जब जहाँ भी हम गए ना, जो ब्रिटिश लोगों ने बसाया है, वो बहुत ही ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है। वो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड है, मैनेज्ड है, और क्योंकि वो पूरा एरिया जो है ना वो केंट के अंदर आ जाता है। हाँ। तो इसीलिए यहाँ पर जैसा पता है आपको कि पूरा का पूरा लैंडर जो है वो उसको बोलते हैं 4 दुकान 24 मकान, क्योंकि 1924 या 25 के बाद यहाँ पर कैंट एरिया स्टार्ट हो गया था, आर्मी रेजिमेंट स्टार्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पर कोई भी परमानेंट कंस्ट्रक्शन बंद कर दी गई थी, तो जितने भी घर बने हुए हैं वो पुराने घर बने हुए हैं, और परमानेंट कंस्ट्रक्शन बनती है, बट ऑब्वियसली आप टेम्पररी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो जो लोगों ने अभी अपने घर बनाए हैं वो टेम्पररी घर बनाए हुए हैं, परमानेंट नहीं है, पर बहुत ग्रीन है, वेल मैनेज्ड है, जैसा गगन ने बोला कैंट एरिया है, तो जबरदस्त जगह है एकदम, मतलब मजा आ गया यहाँ पे। यस, और एक और चीज आपको बताएंगे जो कि कॉमन है लैंडर में और स्विट्जरलैंड में, तो भाई साहब ये मिनी स्विट्जरलैंड के मजे दिलाएंगे आपको लैंडर में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लाल टिब्बा पॉइंट में, और ये मेरे पीछे जो आप रेस्टोरेंट या कैफे देख रहे हैं, यहाँ पर बाइनोकुलर पॉइंट भी है जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। आप वहाँ पर ऊपर छत पे जा सकते हैं और सामने ही आपको सनसेट पॉइंट दिखेगा। पर पर्सन चार्जेस हैं बाइनोकुलर अगर आपको यूज करना है, जो कि है 50 रुपीज की टिकट है पर पर्सन की। आप यहाँ से मस्त अपना व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो जो लैंडर के सनसेट की खास बात गगन बोल रही थी कि जो स्विट्जरलैंड और यहाँ कॉमन है, वो ये है कि यहाँ पर फॉल्स होराइजन बनता है एट द टाइम ऑफ सनसेट। एक ग्रे लाइन के पीछे सन चला जाता है जो कि क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ रिफ्रेक्शन साइंस है, और पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ दो ही जगह होता है, एक यहाँ इंडिया में लैंडर में,
और दूसरा स्विट्जरलैंड के कुछ एरियाज में। तो अभी आपको दिख रहा होगा सूरज दादा एकदम फुल ब्राइट है, सर्दियों के समय में आप यहाँ आओ और इस फॉल्स होराइजन का आराम से मजा लो। लंगूर में लंगूर ये तो राइम हो गई। बोरे बोरे बहुत सारे। सनसेट का टाइम हो चला था और हमारे पेट में भी चूहे कूदने लगे थे, तो हमने सोचा क्यों ना लाल टिब्बा कैफे में जाके कुछ खाया जाए और देखा जाए फॉल्स होराइजन। और ये दीवार पर लगे फोटोज इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। और ऑर्डर देने के बाद हम लोग चल दिए दूसरे माले की तरफ, क्योंकि वहाँ से व्यू पॉइंट काफ़ी क्लियर नज़र आता है। अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है तो बाइनोकुलर फ्री है, नहीं तो इसकी टिकट है 50 रुपए। तो अभी हम आ गए हैं लाल टिब्बा कैफे। थोड़ी सी भूख लग रही थी और सोचा कि मीठा नहीं खाना है, तो हमने ऑर्डर किया है सैंडविच एंड कॉफी। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं यही पर ही बनेगा वो हराइजन। तो आई थिंक ये बेटर व्यू है एज कम्पेयर टू जहाँ पहले खड़े थे। तो यही है वो जगह जहाँ बनेगा फॉल्स हराइजन। इस पॉइंट से दून वैली के साथ साथ आपको ये हिमालयन रेंज भी पूरी नजर आती है। और ये है हमारा चीज वेज सैंडविच। क्या यार, मेरे तो मुंह में फिर से पानी आ गया। जैसे जैसे सनसेट का टाइम नज़दीक आता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो ये आप ग्रे लाइन देख रहे हैं, यही है फॉल्स होराइजन। और फॉल्स इसलिए है क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अब सन फिर से नज़र आ रहा है पूरा, और वो ग्रे लाइन के नीचे आ गया है। तो वो ग्रे लाइन एक इल्यूजन क्रिएट करती है कि सन उस लाइन के पीछे छुप जाएगा। और अब सुंदर से फॉल्स होराइजन के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अपने बीएनबी की ओर। उसके बाद हम जाएंगे एक और जगह जो अभी पॉइंट रह गया है मेरा, वो है चार दुकान, जो कि अब 6 हो गई है। हाँ और ये हम लोग पहुंच गए हैं बीएनबी में। और ये देखो आप पीछे का व्यू, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग पैदल पैदल चल दिए लंडौर का आइकॉनिक स्पॉट देखने के लिए, जो कि है चार दुकान। तो अभी हम आ गए हैं चार दुकान एरिया में, जो कि हमारी एक रिकमेंडेशन है अगर आप लंडौर में हैं तो। और इनको चार दुकान इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रिटिश एरा में जब यहाँ पर सोल्जर्स रहते थे अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो यहाँ पर सिर्फ चार दुकानें थी, और वो भी सिर्फ उनके बेसिक खाने की, अगर उनको कुछ सुविधा चाहिए तो इसलिए वो चार दुकानें खोली गई थी। तो इसलिए यहाँ का एरिया का नाम पड़ा चार दुकान। और इसलिए बोला भी जाता है कि लंडौर में सिर्फ है 24 मकान और चार दुकान। और अभी हम हैं अनिल कैफे में। अनिल कैफे और टिप टॉप कैफे, ये दो कैफे हैं जो कि बहुत पुराने हैं, मोर देन 50 इयर्स ओल्ड। और अनिल कैफे जो है वो 60 साल से भी पुराना है। और हमने अभी यहाँ पर ऑर्डर करा है वेज मोमोज और हनी जिंजर लेमन, क्योंकि अगर आप पहाड़ों में हैं तो हनी जिंजर लेमन आप नहीं स्किप कर सकते। बट यहाँ पर अभी हमें पता चला कि इनकी स्पेशलिटी वेज सैंडविच और वेज पराठा भी है। लिंडौर की दीवारों पर जगह जगह ये सेलिब्रिटीज के फोटोज इस बात का सबूत है कि लिंडौर एक नगीना है, एक छुपा हुआ नगीना मसूरी के बिल्कुल पास। So, ये है नीटिला पैनकेक जो अंकल बिल्कुल ही तुरंत तुरंत अभी अंकल ने बनाया, और वो भी एगलेस। मैं देख ही रही थी अंकल बहुत ही ज्यादा लेयर लगाई अंकल ने न्यूटेला की। कितने खाए अंकल ये पहन के? बच्चों की बहुत। अच्छा, दो खा लिए अभी बैठे बैठे। अच्छा तो आपका फेमस होगा फिर ये। कितने खाए अंकल ये पहन के? 350। व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमंस मेक हनी जिंजर लेमन टी। और ये लेमन टी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। अगर आपको कैफेज पसंद हैं तो चार दुकान के ठीक सामने ये खूबसूरत सा कैफे बना हुआ है, जहां जाकर आप लाइव म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं। तो चार दुकान घूम फिर के आने के बाद हो गया है रात का समय, हम आ गए हैं अपने बीएनबी में। तो आज का दिन बहुत ही मजेदार था। लंडौर एकदम फैंटास्टिक जगह है। और हम अब आपको दिखाने वाले हैं, ये देखो क्या दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, और आपको बाहर के नज़ारे दिखाते हैं। और ये पलक झपकते ही हो गई गुड मॉर्निंग। और ये देखो बच्चा तैयार होके कैसे खड़ा है छुपक के वहाँ कोने में। चलो अब सनराइज देखेंगे, यूहू। और अब हम आ गए हैं लाल टिब्बा सनराइज पॉइंट देखने के लिए। तो अभी हम लाल
लाल टिब्बा पे गाड़ी खड़ी कर दी और अब हम पिटकी 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 जा रहे हैं। आपको जो पीछे में लाइन दिख रही है दैट इज सनराइज। हाँ, वो ईस्टर्न साइड है जहाँ से सूर्य देवता दर्शन देंगे और कोशिश करेंगे हम जहाँ हमें बेस्ट पॉइंट दिखेगा उसके लोकेशन आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ। कि आप जब सनराइज देखने आओ तो आप सीधा वहीं लैंड करो आके। और ये बन रही है खूबसूरत सनराइज की लाइन, ये लालिमा देखिए आप, वाह। और ये सूरज दादा ने दर्शन दे दिए हैं और अब आप इस सुंदर सी ट्रेल पे एक लंबी वॉक कर सकते हैं, विच इज अमेजिंग। तो सनराइज देखने के बाद हम लोग सुबह सुबह आ गए हैं सिस्टर्स बाजार। जो आप मेरे पीछे ये गली देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं सिस्टर्स बाजार, बस नाम है इसका सिस्टर्स बाजार, जैसे आपको पहले भी बताया था। तो पता लगा है कि यहाँ पर एक घर है जहाँ सचिन तेंदुलकर सर रहने के लिए आते थे छुट्टियों में। तो बस अब हम उस घर को ढूंढेंगे और फिर आपको दर्शन कराएंगे कि सचिन सर कहाँ आते थे। तो ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये है संजय नारंग जो सचिन तेंदुलकर के दोस्त थे, उनका घर। चलो चल के देखते हैं। तो यही है वो घर जो सचिन तेंदुलकर सर के दोस्त संजय नारंग का है। अब तो खैर थोड़ा टूट टाट गया है और यहीं पर सचिन सर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आते थे और अब रजी वॉन्डर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आ रही है। आइए, अब सचिन सर की फेवरेट डेस्टिनेशन आने के बाद हम लोग जाएंगे चार दुकान, उसके बाद जाएंगे हम एंग्लो इंडियन ऑथर मिस्टर रस्किन बॉन्ड जी के घर। लेंडुवर में आपको ब्रिटिश आर्किटेक्चर काफी नजर आएगा, ब्यूटीफुल चर्चेस दिखेंगी, काफी खूबसूरत जगह है लेंडुवर। एंड ये है आइकॉनिक स्पॉट चार दुकान। So another spot in Landor is Ruskin Bond's residence. ये जो आप मेरे पीछे व्हाइट कलर का घर देख रहे हैं यही है उनका घर और यही है जिन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। हम बड़ी देर से खड़े हैं कि शायद आ जाए बाहर, तो मुझे लग रहा थोड़ी देर पहले आ देना तो शायद टॉवल सुखाने आते हो तो देख लेते उन्हें। डोमाज इन अनदर प्रॉपर्टी जहाँ पर आप लेंडुवर में रह सकते हैं और तिब्बतियन क्यूजीन ट्राई कर सकते हैं। ये है रस्किन बॉन्ड जी के घर के बिल्कुल सटक के। तो हमारा लंडौर का ट्रिप यहीं होता है समाप्त। हमने अपनी पूरी आइटनरी वन डे मॉर्निंग और वन नाइट का यहाँ पर ट्रिप रखा था। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर दो दिन भी रुक सकते हैं। इट इज वर्थ स्पेंडिंग टू डेज इन लंडौर। सब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तो अब हमारा जो नेक्स्ट व्लॉग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम जा रहे हैं धनौल्टी। धनौल्टी जो है लंडौर से अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का रास्ता है उसका और बहुत ही सुंदर वादियां हैं धनौल्टी की। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट व्लॉग के लिए। टिल द टाइम प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल @VeggieWonder। तो अब हम चल दिए हैं अगले शहर एक नई कहानी बुनने के लिए, लेकिन आपको हम हमेशा यही मिलेंगे इसी चैनल पर। तो जुड़े रहिए @VeggieWonder।